हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं राजन भारद्वाज आज की हमारी टॉपिक है प्लेटलेट। प्लेटलेट जो कि अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसको को हम थ्रम्बोसाइट कह सकते हैं या हिंदी में बिम्बाणु भी कह सकते हैं। और इसका प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज जो होता है, इसका 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर आप ब्लड तक होता है। और इसका जो कि जीवन काल होता है 8 से 12 दिन तक होता है। इसके बाद स्प्लीन में जाके डेड हो जाती हैं, डस्ट आ जाती हैं। प्लेटलेट वो ब्लड सेल हैं जो कि रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, और ये हमारे बोन मैरो में बनता है। और ये नॉन न्यूक्लियर होती है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि डीएनए इसमें पाया जाता है। प्लेटलेट हमारा प्लेटलेट कम कब होता है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। प्लेटलेट हमारा तब कम होता है जब सबसे ज़्यादातर डेंगू के केसेस में हमारे प्लेटलेट कम होते हैं। बाकी मलेरिया, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, उसके बाद हमारा अगर विटामिन बी ट्वेल्व की कमी भी हो जाए, तब भी प्लेटलेट ज़रूर कम होते हैं। और हमारा प्लेटलेट बढ़ता कब है, ये हम बता दें आपको। हमारा प्लेटलेट तब बढ़ जाता है जब हमारा बोन फ्रैक्चर हो, या एलर्जी हो, या सर्जिकल केसेस में हमारा प्लेटलेट बढ़ जाता है। और हम बात करते हैं प्लेटलेट अगर घट जाता है तो दिक्कत क्या होता है। अगर हमारा प्लेटलेट 50,000 तक आसपास रहता है तब तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर हमारा प्लेटलेट 20,000 के नीचे जा रहा है तो समझिए हम इमरजेंसी कंडीशन में जा रहे हैं। बाकी अगर 10,000 से नीचे हो जाए तो समझे सीरियस कंडीशन में हम हैं। इसलिए कि 10,000 से नीचे जाने पर हमारे शरीर के अंदर ब्लीडिंग या हमारे कान और नाक से ब्लीडिंग होने लगती है ब्लड का। अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लीडिंग होती है तो हमारा किडनी, उसके बाद लीवर, फेफड़े निष्क्रिय होने की संभावना बन जाती है। अगर हम बात करें प्लेटलेट अगर कम रहता है तो उस समय हमें क्या खाना होना चाहिए, तो हमारा अगर प्लेटलेट कम होता है तो उस समय गिलोय और एलोवेरा लेना चाहिए, जो कि हमारे आसपास आसानी से मिल जाते हैं। और ये हमारा प्लेटलेट काउंट घटने से रोक देता है। और गोट मिल्क, बकरी का दूध जैसा कि, और पपीता और कीवी, ये सब लेने से हमारा प्लेटलेट थोड़ा बढ़ता है। हाँ, तो हम बात करेंगे ये वर्क कैसे करता है प्लेटलेट। अगर हमें कहीं चोट लग जाता है, घाव लग जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है, तो वहाँ पे प्लेटलेट के कड़ाके जम जाते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो इस प्रकार ये वर्क करता है। बाकी ये टेस्ट की कराने के कैसे होता है, ये हीमेटोलॉजी के अंतर्गत ये टेस्ट आता है, और उस टेस्ट के अंतर्गत हम कराते हैं। तो ये प्लेटलेट कराने के लिए हमें कोई खास प्रिकॉशन की आवश्यकता नहीं होती, और ये टेस्ट हम किसी भी टाइम करा सकते हैं। और ये टेस्ट कब कराते हैं, जब हमारा जैसे प्लेटलेट काउंट कम होने लगता है तो उस समय प्लेटलेट जैसे थकान वकान मालूम होने लगता है, या फीवर वीवर आ रहा है कई दिनों से, तब हमें प्लेटलेट कराने की आवश्यकता पड़ती है। और कोई ऑपरेशन ऑपरेशन हो तब भी हमें प्लेटलेट का जांच करवाते हैं। इससे प्लेटलेट से रिलेटेड और भी जांचें हैं, जो कि BT CT भी उस समय कराना ज़रूरी हो जाता है जब हमारा प्लेटलेट कम हो जाता है, क्योंकि अगर प्लेटलेट कम हो जाता है तो ब्लीडिंग की समस्या बढ़ती है ब्लड। और उस समय BT CT भी अगर हमारा नॉर्मल रहता है तो कुछ कंट्रोल हो जाता है, अगर वो नॉर्मल नहीं रहता है तो ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। बाकी हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग ब्लड टेस्ट से रिलेटेड कौन सी जांच पे सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं वो कमेंट करके बताइए, और कौन अगर मेडिसिन के बारे में भी जानना चाहते हैं तो भी बताइए। अगर आप लोग अपने गाँव या शहर पर कोई शायरी पर वीडियो बनवाना चाह रहे हैं स्टेटस के लिए, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हम वो वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है ऑलराउंडर जौनपुरिया राजन।